अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। तूफान का खतरा, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूँ। ये बहुत ही स्पेशल है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो इसका क्या है ऐसा जो एकदम जो तूफान की जो कंडीशन बन गई और बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि ये एग्रेसिव हुआ हुआ, इसकी एक मेन वजह ये है कि हर प्लैनेट की एक नेचर होती है। जैसे वीनस की बहुत सॉफ्ट है, सैटर्न की बहुत स्ट्रिक्ट है, इसी तरीके से मार्स एक एग्रेसिव प्लैनेट है, बहुत ज्यादा जल्दी और बहुत ही ज़्यादा जिसमें कहते हैं ना कि एक पैनिक करना और एकदम हादसा और एक्सीडेंट करना, इस टाइप की इसकी नेचर है। अब ये किस जगह पे चल रहा है? ये चल रहा है मून के घर में, यानी ये कैंसर में चल रहा है, ये फोर्थ हाउस में चल रहा है। चांद की, जैसे चांद उतरता और चढ़ता है, समंदर की डायरेक्शन भी उसी के साथ साथ उतरती और चढ़ती है। अब उसके अंदर ये मार्स जो चल रहा है, ये फोर्थ हाउस में कैंसर में, ये इसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर रहा है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तूफानी बातें चल रही हैं, तूफान बन रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन चलती भी नज़र आ रही है, बनती भी नज़र आ रही है। और ये जो मून है अभी ये पाइसेस में चल रहा है, तकरीबन 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख मून आ जाएगा एरीज में। अब आप इस बात को समझें, जुपिटर भी एरीज में चल रहा है और एरीज जो उस घर का डिस्पोजिटर है वो फोर्थ हाउस में चल रहा है, कैंसर में चल रहा है। तो ये बहुत बहुत समझने की है कि ये जो फोर्थ हाउस है, ये बहुत ज़्यादा ये समझ लें कि ज़मीन की जैसे कहते हैं ना कि गर्थ का वो है ये, और इसमें मार्स चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा हद तक इम्कान हैं कि 13, 14, 15 ये बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर और तेज़ हवाएँ और बहुत ज़्यादा तेज़ तरीन बारिश होने के इम्कान हैं, और जैसे कहते हैं ना थंडर स्ट्रॉन्ग होना, बिजलियाँ बहुत गिरना, हवाओं का बहुत ज़्यादा तेज़ चलना। देखिए बिजली का जो जो प्लैनेट है वो है राहु, मैंने इस जिस तरीके से आपको समझाया, मून है पानी का कारक, ठीक है, मार्स है एग्रेसिव होना, तोड़ फोड़ हर चीज़ को खाड़ पछाड़ कर देना, इसी तरीके से राहु जो है वो बिजली का कारक है। तो जुपिटर और राहु साथ चल रहे हैं, बिजलियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ होंगी, हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ होंगी, और इसमें मतलब काफ़ी हद तक है कि ये ख़तरनाक साबित हो सकता है ये, क्योंकि मार्स फिर वही बात है कि कैंसर में चल रहा है। खैर अब ये किस जगह तक हिट करने का इसके इम्कान हैं, इंडिया के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा हद तक इम्कान है कि इंडिया में ये बहुत ज़्यादा हिट करे, मतलब साहिली पट्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। पाकिस्तान की कराची की मैं बात करूँ तो काफ़ी हद तक तेज़ बारिशें हो सकती हैं, काफ़ी हद तक तेज़ हवाएं चल सकती हैं, बिजली मतलब जैसे कहते हैं थंडर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं। और सबसे आखिरी में एक स्पेशल आपको बात बताऊं कि ये फोर्थ हाउस में जब तक मार्स है, इस तरीके के ये कैफियत रहेगी और ये जून के एंड तक रहेगी, जून तक मतलब जुलाई में ट्रांजिट मूव कर जाएगा। तो ये कैंसर में होने की वजह से समंदर को वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर रहा है, मार्स उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से ही हम सारी बातें न्यूज़ सुनने को मिल रही है, समंदर इतना एग्रेसिव हुआ है, समंदर इतने हिट कर सकता। तो ये फिलहाल ये सारी बातें थी, मैंने सोचा आप लोगों से मैं शेयर करूं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें।